नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। नवरात्रि के पहले दिन से ही कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिस्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी ने नवरात्र की पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की सूची जारी की, जबकि दूसरे दिन मिजोरम के प्रत्याशियों की घोषणा की। ऐसे में माना जा रहा है कि जब पार्टी राजस्थान के उम्मीदवारों की भी जल्द ही घोषणा कर देगी। पार्टी ने इसके लिए तैयारियां भी कर दी हैं। एक वीडियो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में कर रही है। पार्टी के वॉर रूम 15 GRG में हो रही है, जबकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 अक्टूबर को होने वाली है। ऐसे में आगामी 3 से 4 दिनों में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 60 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए। अब सूची को पार्टी की CEC को सौंपे जाएंगे। 18 अक्टूबर को CEC की बैठक होगी, इससे नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। हालांकि इससे पहले 17 अक्टूबर को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रस्तावित है। कांग्रेस इस बार अपने 2 दर्जन विधायकों के टिकट काट सकती है। ऐसे में उन हालात से कैसे निपटा जाए, इसके भी पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस इस बार पूर्व सांसदों पर भी दाव खेलने के मूड में है। इन्हें किन सीटों पर रिप्लेस किया जाएगा, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।